कोरोना का घातक स्वरूप देश देख रहा है, लेकिन कोरोना को लेकर देश में तरह तरह की बातें भी कही जा रही हैं। वैक्सीन को लेकर भी कई तरह की भ्रांतियां हैं। ऐसे में वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है और फायदेमंद क्यों है, क्या कहते हैं एक्सपर्ट, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कोरोना इन दिनों देश और दुनिया का सबसे ज्यादा चर्चित शब्द है। जो देश कोरोना संक्रमण से पार पा गए वो जहां राहत महसूस कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जो देश आज भी कोरोना की जद में है वहां आज भी कोरोना की पकड़ तेज हो रही है। इन दिनों ये देश बड़े संकट से गुजर रहे हैं। इन देशों में भारत टॉप पर है। भारत में दैनिक मामले सारी दुनिया में सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। आप जानते हैं कि कोरोना एक बड़ा महासंकट है और इस महासंकट के इर्द गिर्द बहुत परेशानियां, परेशानी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की, तो दूसरी ओर कोरोना के बदलते स्वरूप और घातक होते प्रहार की भी। इसी बीच कोरोना को लेकर रिसर्च किए जा रहे हैं, वैक्सीन को लेकर शोध हो रहे हैं, क्योंकि भारत में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर चर्चा है, तो दूसरी ओर वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों में भ्रांतियां, संशय की स्थिति भी है। ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के दावे को लेकर पहली लहर में संक्रमित हुए लोगों पर शोध किया गया और शोध में पता चला कि जिन 100 लोगों में पहली लहर में कोरोना पाया गया उनमें से केवल 7 लोगों में 3 महीने के बाद एंटीबॉडी बची थी। यानी 3 महीने बाद एंटीबॉडी डेवलप होने का कोई फायदा नहीं होगा। रिसर्च को लेकर बताया गया कि नवंबर 2020 में जिन लोगों में 40% एंटीबॉडी थी वो मार्च 2021 में सिर्फ 5% ही रही थी। लिहाजा कोरोना की पहली लहर में ज्यादातर वो लोग थे जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं था। ये भी कारण है कि ऐसे संक्रमितों में एंटीबॉडीज कम पाई गई और जब कोरोना की सेकंड वेव आई तो ये लोग दूसरी वेव की चपेट में आए। लेकिन इसमें बड़ी बात ये रही कि जिन लोगों में पहली वेव में संक्रमण नहीं था दूसरी लहर में उनमें कोरोना होने की स्थिति गंभीर हो गई और ज्यादा जाने भी ऐसे ही लोगों की गई। कुल मिलाकर रिसर्च से सामने आया कि हर्ड इम्यूनिटी को लेकर आश्वस्त ना रहे, वैक्सीन ही बेहतर विकल्प है। जरूरी है कि लोग वैक्सीन लगवाएं। तो कुल मिलाकर कोरोना ने दुनिया को वो दिन दिखाए जो कभी किसी ने नहीं सोचे होंगे। लेकिन भारत में बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं तो काफी लोग वैक्सीन से झिझक रहे हैं। ऐसे में ये रिसर्च इस बात को साफ करती है कि कोरोना के घातक प्रहार से बचने में सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन ही है। इसलिए वैक्सीन लगवाएं और कोरोना का खतरा कम करें। ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।